हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा रहे थे, वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जैसा कि आपको बताया था कि आपकी जो यूटी होने वाली है, टेस्ट होगा, उसके वजह से आपकी रिविजन सब पूरी एक्सरसाइज दोबारा से आपकी रिविजन होगा। चैप्टर वाइज जैसे जैसे रिविजन होता जाएगा वैसे वैसे उसका टेस्ट होगा। पहले हम लोग चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसकी टेस्ट होगा रिवीजन कराने के बाद। तो आप लोग का चैप्टर टू में जो था 2.1, देखो काफ़ी इजी चैप्टर्स था, हम आपको इतने बार समझा रखे, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो थे न्यू अब आए हैं जो पहले नहीं कर पाए थे, तो उसे एक बार समझ लेंगे, थोड़ा हम बेसिक कॉन्सेप्ट करा देंगे, बाकी आप लोग अच्छे से कर लेना। 2.1 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले कुछ हम स्क्वायर्स का प्रॉपर्टीज बताए थे कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 और 0 ऑड टाइम्स हो। 2, 3, 7, 8, 7 and 8 and 0 odd times odd times का मतलब क्या हुआ, या तो एक बार होगा या तो तीन बार होगा इस तरह से, या तो पांच बार होगा। तो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में ये सारा चीज़ होता है। इफ़ यूनिट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है, किसी नंबर के होगा तो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपको हम बताए थे, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसी को देख के बताना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नंबर, कौन सा नहीं होगा। तो 4, 8 जैसे देखो 4, 8, 4, तो ये शायद परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। 5, 6, 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। 961 ये मे भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से हम निकाले 2500 ये तो होगा, और 68 में 3 times 0 होती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 3x0 था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके बताओगे पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स की सो डैट टीचर द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन। अभी बताना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और किसका है, ये भी बताना था क्वेश्चन नंबर टू में। तो 1156 1156 पहले हम लोग इसका स्क्वायर्स निकाल, आपको कैसे शो करोगे, अब है ही, ये तो हम यूनिट डिजिट देख के बता दिए कि है या नहीं, अब था कि ये तो है लेकिन शो करके दिखाओ कि कैसे है। तो हम आपको उसके लिए बताए थे कि आप लोग फैक्टर्स निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें अगर जो 2 2 नंबर्स का पेयर बन रहा था देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और नहीं बनेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर जो पेयर बाद में जो पेयर बनेगा उसे एक एक नंबर लिखते थे और उसी का स्क्वायर बना, जैसे हम एक करके आपको बता देते हैं 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 2 8 जा 16 फिर 2 से करे थे तो 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16 2 9 जा 18 और 2 8 9 है, 2 8 9 है, तो देखो 2 8 9 किसका होता है, 2 8 9 हम बताए थे, देखो 8 2 10 19 ये 17 से जाएगा, 17 का स्क्वायर आपको हम बताए थे, देखो 0 1 7 7 जा 49 और 7 7 2 जा 14, ठीक है, ये 2 8 9 जो था ये 17 का था, तो ये 17 से जा रहा था, तो इट इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पे पेयर बन रहा था, पेयर बन रहा था, ठीक है, एक तो 17 का एक 2 का, तो लिखेंगे इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ किसका है वो भी, तो ये है 2 into 17 यानी कि 34 का, किसका है स्टूडेंट्स, ये 34 का है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो किसका होगा 34 का है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन में करना था। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है ये बोला कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो जो नंबर का पेयर नहीं बन रहा ना वही नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ गए पहले, इसी तरह से आप लोग इसी तरीके से पहले आप लोग निकालोगे फिर उसमें से देखोगे किस नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा है। एक हम आपको करके बता देते हैं, परेशान नहीं, पहले आप लोग ये क्वेश्चन समझो अच्छे से।
इसके बाद जो था देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था फाइंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट सॉरी थर्ड में था कि ये बता 180 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई और क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो उसके लिए हम देखो क्या बताया था कि पहले आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेना, जैसे 2 का ये निकाले ये गया 90 पे, फिर ये 2 से लगाओगे ये जाएगा 45 से, फिर अब ये जा रहा था 3 पे जा रहा था ये 15 से, फिर ये जा रहा था 3 पे 5 पे, फिर ये जा रहा था 5 से 1 पे। तो यहाँ से आप लोग देख रहे थे 180 का हो रहा था क्या 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम्स 5, तो एक 2 का पेयर बन रहा था, एक 3 का, एक 5 बच रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी मल्टीप्लाई बाय 5 वी मल्टीप्लाइड बाय 5 इन 180 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बाद में क्वेश्चन में मैं ये भी पूछ रहा था कि इसका न्यू नंबर का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि आप 180 में मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या था, कर मान लो मल्टीप्लाई कर दिए थे 5 का, तो यानी कि 2 इंटू इसका जो नंबर का स्क्वायर होगा, एंड ये किसी का हो सकता है स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 × 5 का, 2 × 3 = 6, यानी कि ये 30 का होगा। तो आंसर 30 होगा, एक तो 5 होगा एक 30 होगा, दो आंसर इस तरह से दिया होगा इसका। इसी तरह से क्वेश्चन में था कि हम क्या डिवाइडेड करेंगे, सेम होगा, सेम प्रोसेस होगा, बस ये जो नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा ना, वहाँ पे लिख दोगे कि बी डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड में आप ये नंबर को जो पेयर नहीं बन रहा ना उसे नहीं ऐड करना, बस 2, 3 + 6 आंसर लिख देते। इसी नंबर को, इसी क्वेश्चंस को बोलता ना कि हम लोग क्या डिवाइड करेंगे ताकि ये आ जाते, इसी क्वेश्चंस में बोलता तो लिख दो बी डिवाइडेड बाय 5 इन 180 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बस। अब बाद में स्क्वायर्स क्या आता था 2, 3 + 6 जो नंबर, इसमें हम तो ऐड करके लिखते थे, जोड़ते थे, इसमें नहीं करेंगे। इसी तरह से 5 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉरी फोर्थ क्वेश्चन 5 में था फाइंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बता जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 81, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 99 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो 99 + 81 होता है, फिर 81 होगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 100 होगा, ठीक है, ये दोनों तो याद रखना है आपको, इस तरह से आप लोग करोगे। 7th क्वेश्चन में सेम था, 7th क्वेश्चन जस्ट लाइक है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जस्ट लाइक है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। और इसमें से बताना है 9th में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, 9th में बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो जैसे फर्स्ट को हम फर्स्ट बताए थे ना, उसी तरह से 9 बताना, जैसे इसके लास्ट में 7 है तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स इन योर डिजिट इज 7, 4, 5, 7, 4, 3 है तो लिखेंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स इन योर डिजिट इज 3, इसी तरह से सारा लिख दोगे। अभी बताना था कि कौन सा नंबर इवेन का स्क्वायर है, कौन सा नंबर इसमें से इवेन का स्क्वायर है, तो हम पहले बता रहे जो इवेन नंबर होता है उसका स्क्वायर इवेन ही होता है, जो ऑड होता है वो ऑड होगा, तो इसमें से जो भी इवेन हो जैसे 3, 4, 5, 6 तो ये इवेन का स्क्वायर हो सकता है, और 4, 2, 0, 8 तो ये इवेन का होगा, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट और ए और सी था वो ऑड का होगा। उसके बाद बताना था कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब जैसे 57 का यूनिट डिजिट, 57 का स्क्वायर निकालोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है 9, 7 × 49 तो 9 लिख दोगे बस। इसी तरह से क्वेश्चन में था कि 972 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 2 का, 4 तो आप लोग 4 लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम करके बताए थे सारा क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 में था पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताया गया, देखो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि बहुत फास्ट करा दिए और पता नहीं 5 मिनट्स में पूरी लेक्चर ही सर ले लिए, तो आपके रिविजन्स करा रहे, फिर भी कोई डाउट होता है ना आप लोग कमेंट में बता देना, अगली क्लास की जब भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले या जब भी टेस्ट से पहले पहले आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे तभी टेस्ट होगा, बट उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। थोड़ा हम इसलिए सारे क्वेश्चंस करा भी नहीं रहे और बता रहे क्योंकि रिविजन्स एक्सरसाइज हो रही है, दोबारा करा रहे, तो आप लोग खुद से करोगे तभी प्रैक्टिस होगा, ठीक है, तभी चीज़ों को सीखोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम पे वर्क करता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम था ना जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता था हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर होता था बाकी दोनों स्क्वायर साइड का स्क्वायर्स का सम के बराबर, यानी कि इसी तरह से जो बड़ा नंबर होगा ना उसका स्क्वायर बाकी दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर का सम के बराबर हो, तो वो पाइथागोरस तो लिखना था। तो 6 का क्या क्या हो सकता है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो सकता है, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो नंबर होता है 2m, फिर होता है एम स्क्वायर प्लस 1 निकालने का, और एम स्क्वायर माइनस 1, तो जो नंबर दिया हुआ ये 2m मान लेंगे
जरूरी नहीं कि 2MEC को हमें मानो, क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, जब नहीं कट रहा है ना कभी कभी तो नहीं भी माना, बट अभी टू सारे क्वेश्चन में आपको जो है 2M मानोगे। पहले यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेना, तो M की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। अब अगला नंबर निकाल लो एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10। उसके बाद का जो नंबर निकालोगे एम स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 10। अब देखो सॉरी यहाँ पे दोनों यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे तो 8 आएगा। तो ये पाया भैया 6, 10 और 8, ये नंबर पाया था स्टेपलेट था, कैसे 10 का स्क्वायर 100, बाकी ये दोनों का स्क्वायर का बराबर होगा। देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को भी ऐड करो 100, तो आ रहा है आंसर सही। तो इस तरह से तो हमें पाइथागोरस स्टेपलेट करना था। तो आप लोग होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज 2.1 करके हमें सेंड करोगे, ठीक है। होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज करना है, जो बच्चे कर लिए, जो कर नहीं किए हो भी, जो कर लिए हो भी, क्योंकि रिविजन्स करके हाँ रिविजन वर्क करके डाल के करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 2.2 पढ़ेंगे, और 2.1 में फिर भी किसी को डाउट हो जाता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में करके बता देना, ठीक है, ताकि आपकी अगले क्लास में वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।